यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट हो चुके हैं जी। तो यहाँ पर आलू की चिप्स फ्राई हो रही है, मजेदार यम्मी आलू की चिप्स। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और प्यारा सा कमेंट्स करें। इमरान जी, मुझे दही ला दें आप। दही ला दूं, क्या करें जी? काम है, जाहिर है अभी तो मंगा रही हूँ ना, और दही के साथ बेसन भी ला दें। दही क्या, बेसन क्या, आपने कड़ी खानी? कुछ भी बनाऊं मैं भाई, आप ला दें ना। आप पूछते बहुत हैं क्या पकाना है, क्या करना है, आपको कुछ खाना है तो आप वो बता दें। आप अपनी क्या करेंगे अगर बेसन आप मंगा रही हैं कड़ी का, तो मेरा दिल नहीं कर रहा। अगर आप दही और बेसन बोल रही हैं मुझे, तो ऐसा करना, आप एक काम करना, पकौड़े लाजमी बनाना फिर आप बेसन मंगा रही हैं। अच्छा सही है, आप मुझे ला कर दें। और पकौड़े बनाने हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पकौड़े भाई आप अपने टमाटर वाले बनाते हैं, मुझे तो वो नहीं पकौड़े चाहिए, मुझे ना आलू वाले बना के देना, क्योंकि मुझे आलू वाले पकौड़े बहुत। हाँ आलू पे याद आया, आलू भी लेकर आए। आप पहले ही बता दें, सारे सारे एक चीज आप एक करके बता दें। हाँ बस अब याद आ गया, और कुछ नहीं है, और बस भी मैंने सोच लें, आपने कुछ और भी मंगाना हो तो हाँ चीजें लेकर आ जाइएगा मेरे खाने पीने की। आपके खाने पीने की क्या कौन सी चीज है मुझे ला के दीजिएगा, तुलसी ला दें, चॉकलेट ला देगा, डेरी मिल्क और पता तो है, ले आइएगा अच्छा, चीजें, चीनी मिली। आप एक काम करिएगा, मुझे लिख के दे दें, क्योंकि मुझे वन बाय वन याद नहीं रहेगा, फिर आप मुझसे कहेंगे। दो चीजें तो हैं, आलू बेसन दही, तीन चीजें हो गई और चीजें मेरी चार हो गई। मुझे याद नहीं रहती कि कौन कौन से लानी है, तीन चीजें तो याद होगी। चलो दही, आलू और बेसन। अच्छा जल्दी ला दें, फिर आपको पता है मेहमान आ जाएंगे घर में। चलो सही, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए आप। ठीक है। अच्छा इमरान, और भी कुछ जो आपका दिल चाहे चले आप ले आइए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पकोड़े और साथ में बन रही है चिकन मैक्रोनी। तो ये चिकन और ये वेजिटेबल, तो ये मैक्रोनी के लिए है, बाकी ये पकोड़ा है जो हम अभी फ्राई करेंगे। और पकोड़े की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, बआसानी आपको वहां से मिल जाएगी। चलें जी, तो जल्दी से इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं जी। तो मैक्रोनी के लिए मैंने यहाँ पर पानी बॉइल करने रख दिया है। पानी में सिर्फ नमक हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट हो चुके हैं जी। तो यहाँ पर आलू की चिप्स फ्राई हो रही है, मज़ेदार यम्मी आलू की चिप्स। और इस साइड पर मैं मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर लहसुन ऐड किया है, लहसुन को फ्राई करके फिर इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। तो 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक इसलिए कम ऐड करूँगी क्योंकि चिकन पाउडर हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। साथ में अब सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दूँगी। तो ये गया इसके अंदर सोया सॉस, और सोया सॉस तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और अब ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, और चिली सॉस भी मैं 2 टेबल स्पून के करीब ही ऐड कर दूँगी। अब इसको मिक्स करके तमाम वेजिटेबल ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और अब तमाम सब्जियाँ ऐड करके और इन्हें फ्राई कर लूँगी। सब्जी में मैंने गाजर, बंद गोभी और रेड चिली, टमाटर, ये सब चीज़ें ली हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन चिली ऐड कर रही हूँ, जो कि स्पैगेटी के पैकेट से ही मिला है। चिकन चिली फ्लेवर ऐड कर दूंगी। और मैंने ना मैक्रोनी और मेरे पास थोड़ी सी स्पैगेटी थी, तो मैंने दोनों चीज़ें बॉइल कर ली हैं, आज दोनों चीज़ें मिक्स बनेंगी।
ये ऐड कर देते हैं, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मजेदार चिकन मैक्रोनी विथ स्पैगेटी के साथ रेडी है। जी तो फ्रेंड्स, छोले मैंने भिगो कर रख दिए थे और अब मैंने इन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही ये उबलते हैं फिर बनाएंगे मज़ेदार चना चाट। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चॉकलेट लावा केक रेडी है और आप देख सकते हैं चॉकलेट कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है, इंतहाई ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये। तो ये देखें आपको, मैं इसको यहाँ से, बहुत गर्म हो रहा है ये और ये कितना सॉफ्ट है ये देखें आप। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और बहुत ही यमी बना है, बुशरा काफ़ी टाइम से फरमाइश कर रही थी इरम आपी बनाएं, मैंने कहा चलें ठीक है बेटा मैं आपके लिए बना देती हूँ, और सिर्फ एक कप मैदे में ये तैयार हो गया है। जी तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी रेडी हो गई है, साथ में मैक्रोनी विद स्पैगेटी चिकन वो भी रेडी हो चुका है, और ये हमने बनाया है मायोनीज सैलेड और साथ में है गर्मा गर्म पकोड़े और यमी सी आलू की चिप्स। तो जिस किसी को भी आना है जल्दी जल्दी से आ जाए मेरी यूट्यूब फैमिली और हमारे साथ एंजॉय करें। तो इमरान आज आपको कैसा लग रहा है? आज आप बड़े खुश हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया है क्योंकि ये भी मेरी फेवरेट चीज है, और ये चिप्स फ्राइज और स्पेगेटी जैसे कि विलेज में तो इरम ने बनाई होगी, उनके लिए तो नहीं थी लेकिन हमारे यहाँ तो बनती ही अक्सर, लेकिन आज तो बस आज इमरान की जो ना दिल की तमाम फरमाइशें पूरी हो चुकी हैं, सब चीजें इन्हें पसंद आई हैं, और जो है ना क्योंकि मेहमान आते हैं अपना नसीब साथ में लेकर आते हैं बिल्कुल। तो आप ये देखें माशाल्लाह से, और मेहमान कौन है जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे घर पे चाय के टाइम पर आ रहे हैं मेहमान, माशाल्लाह स्मेल ही बहुत जबरदस्त आ रही है, खुश हो गया इसलिए तो बस गार्डन गार्डन हो गया आज तो। तो मेहमान कोई गैर नहीं, मेरे अपने ही हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं, और ये दो कप मेरे हैं जैसा कि आप लोग में देखते और ये हैं। देखें ये आज बुशरा ने कहा था मैं लूंगी, है ना बुशरा, लेकिन इनको तो बहस करनी है ना भाई। हाँ भाई, इमरान और बुशरा की बनती नहीं है असल में ना, मैं आपको बताऊं बुशरा को हमने काफी टाइम से ना इन्वाइट नहीं कर पा रहे थे अपने घर पर, क्योंकि हमारी छोटी सी रानी की ना बर्थडे भी हम निकल चुकी है, हम विलेज में थे ना इसलिए, मगर बहुत जल्द हम इमरान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बुशरा की। ये पार्टी आज हमने दी है बुशरा को बस। जी रही, इस पार्टी से ना बुशरा का गुजारा नहीं होता, ये पार्टी क्योंकि बुशरा लेती है बिग सरप्राइज, क्योंकि बुशरा लेती है बुशरा बाकी है। हाँ, और बुशरा का गिफ्ट इतना एक्सपेंसिव होता है ना कि इमरान पहले तो सोचते हैं फिर इमरान को देना पड़ता है, उनकी छोटी साली जो है ना भाई, मेरी जेब फट जाती है जब देना पड़ता है, फिर सीधी भी हम ही है, टेंशन नॉट। हाँ चले जी, तो अब हम इंजॉय करते हैं और इसी के साथ चाहेंगे आप सबसे इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।